हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश और आप देख रहे सिंपल इंडिया डेज़ इन हिंदी। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिजिसोल राउटर को जियो फाई से कैसे कनेक्ट करते हैं और हम कैसे कोई भी DVR हो या कैमरे हो या किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट लैन के थ्रू से है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सिंपल इंडिया डेज़ इन हिंदी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोज और ट्रिक्स लेके आते रहता हूँ और अलग अलग गैजेट्स की अनबॉक्सिंग लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जियो फाई का राउटर है, उसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके पहले भी एक TP-Link का कनेक्ट करके दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो फाई का राउटर JMR1140 वाला मॉडल नंबर देख कर लेना है हमें। तो चलिए इसी साइड में रखते हैं और हम देखते हैं डिजिसोल का कौन सा हमें राउटर चाहिए। तो देख सकते हैं डिजिसोल का DG-HR1400 वाला राउटर है। इसमें आप 300 Mbps वाला भी ले सकते हो, ये 150 Mbps वाला है। और ये आप देख सकते हैं ये 1200 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी इसकी एक CD ड्राइवर है, ड्राइवर CD। उसके बाद ये लैन केबल वगैरह हमें लगेगा, बाद में काम में आएगा। ये उसका राउटर है, देख सकते हैं यहाँ पे पावर पोर्ट है, एक ऑन ऑफ स्विच है, एक WPS का स्विच है और एक रिसेट का स्विच है। और उसके बाद यहाँ पे LED इंडिकेटर्स है छोटे छोटे। और यहाँ पे अपने देख सकते हैं आप लैन पोर्ट है इसको 4 और एक वैन पोर्ट है। तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं और अभी देखते हैं इसका चार्जर। ये चार्जर है इसका, इसके साथ में। तो चलिए मैं अभी बॉक्स को पटा साइड में ले लेता हूँ। तो चलिए हमें अभी क्या क्या लगने वाला है। सिर्फ हमें एक राउटर लगेगा, तो मैं इसे फटाफट पावर से कनेक्ट कर देता हूँ एक बार और आपको दिखा देता हूँ किस तरह से कनेक्ट करना है जियो फाई अपने डिजिसोल राउटर से। तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो चलिए, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो फिर आप कंप्यूटर को लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, मेरा कंप्यूटर है तो मैं इससे लैन से करके दिखाऊंगा आपको। या फिर आप वाईफाई होगा आपके पास तो फिर वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर से बहुत ही आसान जाता है। तो देख सकते ये लैन की वायर लगाई हुई है मैंने, अभी ये लाइट चल रही है, अभी मैं निकालूंगा तो ये कट हो जाएगी लाइट, देख सकते हैं ना। तो चलिए अभी कंप्यूटर पर जाते हैं, कोई भी जिसको आपने लाइन कनेक्ट केबल कनेक्ट किया है वो कंप्यूटर पर जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले जाता हूँ आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, मैंने कंप्यूटर से राउटर कनेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लॉगिन यूजर नेम, एक वेबसाइट पर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वेबसाइट कौन सी है। वो डिजिसोल की ही वेबसाइट है, लॉगिन पेज है, तो उसे ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.2.1। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी और उसके बाद हमें यूजर नेम में हमें एडमिन डालना है और यहाँ पे पासवर्ड जो है हमें 1234 डालना है, जो कि डिजिसोल का डिफॉल्ट पासवर्ड है। और उसके बाद सबसे पहले हमें वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, सब आपको अगर नाम चेंज करना है तो कर सकते हो अपना। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, WPA PSK। ये सिलेक्ट करने के बाद आप पासवर्ड डाल सकते हो आपको जो भी चाहिए वो आपके वाईफाई का, और अप्लाई कर देना है आपको। अप्लाई कर देने के बाद आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रिफ्रेश हो जाएगा एक बार इसे भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद फिर से हमें वायरलेस में जाना है। और वायरलेस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है रिपीटर का, वायरलेस रिपीटर, तो उसे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक आप देख सकते हैं रिपीटर एनेबल्ड, वहाँ पे क्लिक करना है हमें। रिपीटर एनेबल्ड करने के बाद यहाँ पे साइट सर्वे का ऑप्शन है, तो हमें उसे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक 3-4 सेकंड का टाइम दिखा रहा है हमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी वाईफाई थे यहाँ पे आ चुके हैं, सिर्फ मेरा एक वाईफाई है अभी यहाँ पे। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ।
और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पासवर्ड डालो। तो सबसे पहले चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल मेरा नेट बंद है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा लोगो यहाँ पे नेट का आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो लोगो है यहाँ पे, फिलहाल तो नेट बंद है। तो चलिए मैं अभी इसे वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा हमारा जियो फाई, तो इसकी वजह से मैंने आपको दिखाया है एक बार। अगर आपका जियो फाई का मॉडेम अगर पुराने वर्जन का होगा तो फिर वो कनेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। ये नए जो डिवाइस आ गए हैं उनमें वैसे सिस्टम है, लेकिन पुराने डिवाइस में नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी पासवर्ड है मेरा। तो चलिए आप भी अपना पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। और आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस वगैरह बोलेगा वो, तो फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 सेकंड का वेट करो बोल रहा है। तो चलिए मैं अभी 30 सेकंड का वेट करेंगे। अब देख सकते हैं अपना पेज रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं भी एक बार लॉगिन कर लेता हूँ इसको फिर से, और हमें अभी कुछ सेटिंग नहीं करनी है इसमें, तो बस हमें अभी सिर्फ वाईफाई चलता है कि नहीं वो चेक करना है सिर्फ हमें अभी। तो अपनी सेटिंग पूरी हो चुकी है, तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ एक बार वाईफाई कनेक्ट वर्क हो रहा है या नहीं अपना। चलिए इसे सबसे पहले एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अपना राउटर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं अपना इंटरनेट चल चुका है और जियो फाई की मदद से ये ऑनलाइन हो चुका है, और इस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हो जो भी आपको करना है ऑनलाइन। और इसकी मदद से आप आपके कैमरे और डीवीआर जो भी है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। और देख सकते हैं ये मेरा वायर से कनेक्ट है फिलहाल, और ये इंटरनेट के वाईफाई है दोनों भी। ये जो मेरा एक वाईफाई है जो मेरा जियो का है, और ये डिजिसोल का है वाईफाई, और ये मेरा जो है मैंने वायर से कनेक्ट किया है अभी डिजिटल वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए अगर स्पीड देखनी है आपको स्पीड देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है अभी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस और ट्रिक्स लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।